नमस्कार रात के नौ बजे का वक्त अन अकेडमी आर्टिकुलेट चैनल पर मैं शरद त्रिपाठी आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं हम एक सीरीज के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के जो प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो भी महत्वपूर्ण कुछ विषय करेंट अफेयर्स के अंतर्गत अलग अलग विषयों के जो आ सकते हैं उनको हम टारगेट कर सकें गुड इवनिंग एवरी वन एवर इज ज्वाइंड और बात को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले कुछ अनएकेडमी के कोर्सेस को लेकर आपको एक बुनियादी कुछ जानकारी आपको देनी है एक तो हमारा ये कॉम्बैट जो हर संडे काफ़ी बच्चे अपियर हो रहे हैं वो अपनी प्रलिम्स की तैयारी को लेकर एक बेहतर आधार भी बना रहे हैं आपको भी इसका लाभ उठाना चाहिए साठ सवाल साठ मिनट में करने होते हैं चार करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप है इसमें जो अलग अलग स्टूडेंट्स को उनकी मेरिट के हिसाब से दी जा रही है और मैंने पहले भी बार बार आपसे कहा है कि आप अपनी तैयारी को एक आंकलन करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन दे आर वेरी कॉम्पिटेटिव वेरी गुड एक खबर ये कि जो हमारा मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर था जिसमें वैसे एक साल के लिए होता है कैलेंडर uh, साल एक साल लेकिन अभी जो चल रहा है अट्ठाईस अप्रैल तक एक स्कीम है कि अगर अभी कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो ये अगले प्रिलिम्स तक आप सब्सक्रिप्शन का लाभ ले सकते हैं तो अतिरिक्त आपको कुछ महीने मिल जाएंगे यही प्रोसेस 2023 के लिए अगर आप दो साल का कोर्स लेते हैं उसमें भी ये है चौदह अप्रैल से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं अन एकेडमी देश के सर्वश्रेष्ठ जो ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं उनको साथ लेकर आपकी अलग अलग जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए भी काम कर रहा है उस चीज़ का भी आप लाभ ले सकते हैं एक अभी प्रिलिम्स के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें आप करीब साढ़े तीन हजार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट्स के तो अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उन विषयों को कराएंगे और इसका आप लाभ ले सकते हैं मिशन विक्ट्री ये हमारा बैच है जो चौदह अप्रैल से शुरू हो रहा है और जैसे मैंने बताया इक्कीस बाईस और तेईस तीनों आयामों को आप इसमें कवर कर सकते हैं प्रमुखतः बाईस और तेईस पर अब आप फोकस आपको दिखेगा हिंदी अंग्रेजी बाईलिंगुअल सारे अलग अलग आधार भी आपको इसमें दिखेंगे एक और महत्वपूर्ण बात जो हमने नई जोड़ी है एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बहुत ही हाईली आप कह सकते हैं कि एक्सपर्ट्स uh, के साथ मिलकर पूरे सिलेबस को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में क्योंकि बुकलेट्स के ये बीस बुक्स इसमें अन ने इसको डेवलप uh, कराया है जिसमें हम सब ने अपना योगदान दिया है सारे एजुकेटर्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे आपको बेस्ट सामग्री भी मिल सके और ये नोट्स बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे सिलेबस को कवर करते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें सारे इंक्लूडेड हैं इसको भी अभी आप अगर पैकेज लेते हैं तो उसके साथ 14 अप्रैल के बैच में तो उसके साथ ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है तो ये एक अतिरिक्त लाभ अभी 14 अप्रैल तक आपको हासिल है बात को शुरू करते हैं हम जिन मुद्दों पर केंद्रित थे हाँ रजत मैंने अभी उसको बधाई दी और जो भी लोग आज यूपी का रिजल्ट आया है और जो भी सफल अभ्यर्थी हैं सबको शुभकामना हालांकि एक पड़ाव है अभी तो और आगे उन लोगों को जाना है जब तक सिविल सर्विसेज में या पीसीएस में भी जो हायर सर्विसेज हैं उस तक हम नहीं पहुंच जाते तो राहुल सबका नंबर रजत आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है चलिए गुड इवनिंग एवरीवन जो भी जुड़ा है सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार चलिए पहला विषय ले रहे हैं एक राजव्यवस्था से जुड़ा मसला जो थोड़ा सा बड़ा मसला भी है और मुख्य परीक्षा में आपने इसको जरूर पढ़ा होगा लेकिन अभी हम विषय को इस तरह समझें कि प्रारंभिक परीक्षा में कथन आधारित अगर प्रश्न आए तो हम उनको हल कर सकें तो बहुत गहराई में नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह कहा कि अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान है उनका जो अधिकार संविधान प्रदत्त जो अधिकार है वो आत्यंतिक नहीं है एप्सल्यूट नहीं है आत्यंतिक अधिकार आप जानते हैं जो निर्बाध होता है जिसको जिसको किसी भी आधार पर जिसको सीमित नहीं किया जा सकता या जिसको छीना नहीं जा सकता आप इस बात से भी भली भांति परिचित हैं कि संविधान के भाग तीन में जितने मूल अधिकार हैं उनमें से सत्रह चौबीस को छोड़कर सामान्यतः सब किसी न किसी निर्बंधन के अधीन हैं और ऐसे में हम ये जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का जो अधिकार है इसको पहले से जानते हैं कि आत्यंतिक नहीं है लेकिन बार बार ऐसे संदर्भ उठते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ता है कि भाई ये तुम्हारा अधिकार एक रिस्ट्रिक्टेड राइट right है और रिस्ट्रिक्शन अगर सही नहीं है तो आप आ सकते हैं हमारे पास हम उसका आकलन करेंगे कि कहीं आपको किसी यादरक्षित किसी आर्बिट्ररी वे में कहीं हैरस तो नहीं किया जा रहा बट अगर हमको लगता है कि आपके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा वो प्रोपोर्शनल है और रीजनेबल है तो हम उसको मान लेंगे क्योंकि संविधान ऐसा कहता है तो मसला क्या था कि नीट जो टेस्ट होता है मेडिकल एंट्रेंस uh, के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इसमें बेसिकली कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ने यह अपील करी थी उन इंस्टीट्यूशंस को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसने और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस भेजा क्योंकि उस समय ये इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट होता था उन्नीस का और डेंटिस्ट एक्ट 1948 का उसके अनुपालन में इन दोनों संस्थाओं ने नोटिस भेजा कि भाई आपको सीटों का जो आप सीटें भर रहे हैं उसमें आपको इन आधारों पर नीट को इतना वेटेज देना पड़ेगा आप अपने जो माइनॉरिटी के नाम पर जो आप मैनेजमेंट कोटा और ये सबसे सीट भरते हैं वैसे नहीं चलेगा ये नोटिस भेजा अब इसके बाद ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इन्होंने न्यायालय के दरवाजे खटखटाए ये तर्क दिया कि भाई हमको मूल अधिकार है किस बात का कोई भी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस चुनने का आर्टिकल 19 सब क्लॉज वन सब सब क्लॉज जी और हमको धार्मिक स्वतंत्रता के भी व्यापक अधिकार हैं 25 से 28 अनुच्छेद के बीच और अलग से हमें अपनी अल्पसंख्यक रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का भी अधिकार है आर्टिकल 30 के अंतर्गत तो हमारे इतने सारे मूल अधिकारों का हनन ये जो मेडिकल काउंसिल और डेंटल काउंसिल जो हमको कह रही है करने के लिए तो हमारे इतने अधिकारों का हनन होगा हमारे इस अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए ये अपील थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप आत्यंतिक अधिकार नहीं रखते हैं और जो भी ये निर्बंधन आपके ऊपर लग रहा है वो तर्क संगत है उसे हम खत्म नहीं कर सकते ठीक है तो ये सारा ओवरऑल इसमें मसला था अब इसमें थोड़ा सा जजमेंट के हाईलाइट्स को देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह तर्क दिया कि जो भी धार्मिक और जो मूल अधिकार अल्पसंख्यकों के हैं ठीक है और उनको जो भी आर्टिकल तीस या अन्यथा जो भी उनको अधिकार प्रदत्त हैं इनको बेसिकली एम और डेंटिस्ट जो डेंटल देंट, काउंसिल ऑफ इंडिया है उनका जो अभी आपको आदेश गया है ये उसको वॉयलेट नहीं कर रहे फ्रीडम कुछ भी ट्रेड करने का बिजनेस करने का ये आत्यंतिक अधिकार नहीं है जैसा कि इन अल्पसंख्यक संस्थाओं को लग रहा था इस पर युक्त युक्त निर्बंधन लग सकते हैं जो मेडिकल काउंसिल और डेंटल काउंसिल लगा रही है क्योंकि ये किसके हित में लग रहे हैं विद्यार्थी समुदाय के हित में ये निर्बंधन लगाया जा रहा है और विद्यार्थियों का एक समुदाय के तौर पर कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में मेरिट को कुशलता को एक्सीलेंस को और जो कुप प्रशासन की प्रवृत्तियां हैं इनसे अगर लड़ना है तो ये सब चीज़ें तर्कसंगत प्रतीत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर नीट के अनुपालन में एक यूनिफॉर्म एंट्रेंस टेस्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन का तर्क बनता है तो इससे क्या होगा इससे वो आनुपातिकता का सिद्धांत और युक्ति युक्तता का सिद्धांत ये पूरी तरह मजबूत होगा और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि आपके ऊपर जो नियंत्रण लगाया जा रहा है ये संवैधानिक है ये किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है ठीक है ये एक ओवरऑल बात हो गई नीट आपको पता है कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ये मैंडेटरी है और धार्मिक या भाषाई जो दो अल्पसंख्यक समुदाय होने के संवैधानिक आधार हैं इन समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के ऊपर भी नीट के जो मापदंड हैं वो लागू होंगे चाहे वो संस्थाएं राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या राज्य से सहायता प्राप्त न भी हो तो भी मेडिकल काउंसिल और डेंटल काउंसिल के और नीट के जो प्रावधान हैं, वो उनके ऊपर लागू होंगे नीट परीक्षा को इसीलिए शुरू किया गया था क्योंकि अलग अलग राज्यों के स्तर पर जब चिकित्सा शिक्षा संचालित हो रही थी तो इसमें काफ़ी गड़बड़ियां काफी एक तरह से आ, एक असमानता भी थी उसमें कुछ प्रशासन की बातें भी थी और दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी राज्यों में तो आपने देखा होगा कि काफ़ी पैसा कमाने के ये बड़े बड़े जरिए बन गए थे उन सब चीज़ों को टारगेट करने के लिए जजमेंट एक अच्छा आधार बनता है सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी माना कि निदेशक सिद्धांतों में बेसिकली जो कुछ सिद्धांत हैं जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना और राज्य इसके लिए सक्षम प्रयत्न करे कि पब्लिक हेल्थ इस दायरे को मजबूत किया जा सके तो यह जो कदम है सरकार का नीट को लेकर यह उस निदेशक सिद्धांत का भी पक्ष पोषण करेगा उसे मजबूत करेगा इसलिए भी कोर्ट ने इस बात को सही ठहराया अब इसके पीछे जो प्रॉब्लम है उसको भी समझिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के जो घपले चल रहे थे उसमें ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं सरकारों के पास कि जैसे मान लीजिए कोई ईसाई धर्म के अल्पसंख्यक आधार पर कोई संस्था बनी ठीक है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज की संस्था है ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिश्चियंस के द्वारा ही संचालित हैं क्रिश्चियन एजेंसीज के द्वारा माइनॉरिटी के नाम पर सबसे ज़्यादा उन्होंने इसका अच्छे संस्थान ठीक है तो वहाँ पर ये देखा गया कि ये लोग चूंकि इनके पास आधार ये है कि अपने समुदाय के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए उनको अलग से प्रवेश दे सकते हैं एडमिशन दे सकते हैं तो ऐसे भी केसेस काफ़ी देखे गए कि लोगों ने सिर्फ एडमिशन लेने के लिए अपना रिलीजन बदल दिया वो क्रिश्चियन हो गए और उसके बाद जब शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई एडमिशन पूरी हो गई सेकंड थर्ड ईयर में आते आते अब कौन पूछ रहा है दोबारा उन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपने को क्योंकि इसमें कोई रोक नहीं है तो अब सोचिए कि कितना गोलमाल है कि आप एक एंट्रेंस इतने ओवरऑल योग्य युवा जो प्रतिस्पर्धा में है कि हमको चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश मिले और कुछ लोग कानूनी दाव पेच से रास्ता निकालकर धर्म परिवर्तन कर कर अगर ऐसे अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उस पर रोक लगाने के लिए भी ये एक अच्छा आदेश है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिसका समर्थन किया है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं और अल्पसंख्यकों के संदर्भ पर संविधान से जुड़े प्रश्न पूछे जाते रहे हैं पूछे जाते रहेंगे भी आगे ठीक है तो कुछ चीजें इसमें देखते हैं आप इस बात से परिचित होंगे कि संविधान कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं देता है इसको पीटी में स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा गया ठीक है डिफाइन नहीं किया गया परिभाषा नहीं दी गई क्लासीफाई किया गया है ठीक है माइनॉरिटी को क्लासीफाई किया गया है क्लासीफिकेशन दिया हुआ है बट डेफिनेशन नहीं है क्लासिफिकेशन क्या है कि दो तरह के अल्पसंख्यक होंगे या तो धार्मिक आधार पर रिलीजियस माइनॉरिटीज या फिर भाषाई आधार पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ठीक है ये दो क्लासिफिकेशन है पर डेफिनेशन इसमें नहीं है ऑल और ये जो प्रमुख इनका शैक्षणिक संस्थाओं संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद तीस से आता है ऑल माइनॉरिटीज शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट सारे अल्पसंख्यकों को देश में यह अधिकार होगा कि वो स्थापित कर सकें और प्रशासन कर सकें उन शैक्षणिक संस्थाओं का जो उनकी अभिरुचि पर आधारित हो उनके हितों पर आधारित हो अगर राज्य इन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की संपत्ति को अधिग्रहित करता है कंपल्सरी राज्य के हित में तो इसमें ओवरऑल उनका जो अधिकार है ठीक है उसको कहीं से भी उसको इसमें बाधा नहीं बनने दिया जाएगा इस बात को चवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया क्योंकि यह भी चैलेंज किया गया था कि हमारा मूल अधिकार है राज्य इसको छीन नहीं सकता तो इस बात को फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया एक राज्य के ऊपर ये अधिभार डाला गया है कि राज्य जब शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता देगा तो ऐसा करने में वो किसी धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता यह भी राज्य के ऊपर एक थोड़ा सा एक आधार है अब इन तमाम प्रवृत्तियों को समानांतर देखते हुए हम सुप्रीम कोर्ट के सेंट स्टीफन से लेकर मालंकर सीरियन मामले तक अलग अलग जजमेंट्स हैं जो आप लक्ष्मीकांत में मेंस के लिए पढ़ते हैं तो हमने ये देखा कि संस्थाओं को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है पहली ऐसी संस्थाएं जिनको राज्य से एक मान्यता भी चाहिए रिकग्निशन भी चाहिए और सहायता भी चाहिए सहायता वित्तीय संदर्भों में प्राप्त प्रमुखता होती है तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो राज्य के ऊपर मान्यता के लिए भी निर्भर हैं सहायता के लिए भी निर्भर हैं फिर कुछ ऐसी संस्थाएं होंगी जिनको सिर्फ मान्यता चाहिए किसी तरह की सहायता राज्य से नहीं चाहिए तीसरी वो संस्थाएं हैं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं जिनको न तो सहायता चाहिए न मान्यता चाहिए ठीक है ये न राज्य से मान्यता की अपेक्षा रखती हैं न सहायता की अपेक्षा रखती है तो एक बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट करी कि हमें इस तीन वर्गों में पहले दूसरे और तीसरे वर्ग में एक अंतर भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये बात भी न्याय संगत है अगर कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था राज्य से न तो मान्यता चाह रही है न सहायता चाह रही है तो उसको आप उस संस्था के साथ अगर एक समान देख लें जो मान्यता भी ले रहा है सहायता भी ले रहा है तो भी गलत होगा यह भी अन्याय होगा तो किया क्या तय किया सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम फैसलों में कि अगर पहले और दूसरे तरह की अल्पसंख्यक संस्था है यानी क्या हो गया यानी जो या तो मान्यता ले रही है या सहायता ले रही है या दोनों ले रही है ठीक है उनके ऊपर जो राज्य का जो विनियमन है रेगुलेशन है वो चाहे सिलेबस को लेकर हो चाहे जो शैक्षणिक मापदंड है उनको लेकर हो शैक्षणिक अनुशासन की बात हो जो शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक जो एम्प्लॉइज होते हैं स्टाफ होता है उसकी नियुक्ति की बात हो सबको राज्य रेगुलेट कर सकता है स्टेट रेगुलेट करेगा लेकिन तीसरे तरह की जो संस्थाएं हैं जिनको न तो सहायता चाहिए न मान्यता चाहिए ये अपने दैनंदिन के कार्यों का प्रशासन राज्य से निरपेक्ष होकर चला सकते हैं राज्य इनकी डे टू डे अफेयर्स में कहीं पर भी बाधा नहीं डालेगा इनको एक तरह का इंसुलेशन दिया गया लेकिन यह भी कहा गया कि जो देश के सामान्य कानून हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ आप टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर रखोगे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है देश में आपको उसका पालन करना पड़ेगा इसी तरह लेबर लॉ इंडस्ट्रियल लॉ टैक्स लॉ आर्थिक बाकी विनियम विनियमनकारी प्रभाव ये सब जो हैं ये आपके ऊपर भी लागू होंगे ये एक तीसरी श्रेणी की संस्थाओं के लिए ये बात भी आपको दिखेगी ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये भी इजाजत दी इन सारे फैसलों में कि आप योग्य अभ्यर्थी जो आपकी पसंद के हों यानी ऑब्वियसली आपके धार्मिक समुदाय के हों और उनके लिए एक रीजनेबल फी स्ट्रक्चर ये आप ओवरऑल रख सकते हैं यह आपका अधिकार है और ये जो मालंकर सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस है 2007 का इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था तो अभी जो वर्तमान फैसला आया उसमें इस बात को दोहराया गया कि ये अधिकार है अल्पसंख्यक संस्थाओं का वो बना रहता है आखिरी बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस बात को स्थापित करता है कि अल्पसंख्यकों का अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार कहीं से भी कुप प्रशासन का अधिकार नहीं है ये एक क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था राइट टू एडमिनिस्टर इज नॉट राइट टू मैल एडमिनिस्टर प्रशासन का अधिकार कुप प्रशासन का अधिकार नहीं है जो लोग मेंस के हिसाब से अभी भी पढ़ रहे हो उनके लिए मैं सवाल एक बना देता हूं आप इसको अभ्यास के तौर पर आज की चर्चा के आधार पर लिख भी सकते हैं प्रशासन का अधिकार प्रशासन का अधिकार कुप प्रशासन का अधिकार नहीं है को प्रशासन का अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की संदर्भ सहित व्याख्या करें थोड़ा सा हिंदी साहित्य जैसा सवाल बन गया है संदर्भ सहित व्याख्या करें लेकिन आप सवाल समझ गए होंगे कि यहाँ पर सीधे से आपको बता नहीं रहा है कि भाई क्या आ, किस पॉइंट से रिलेटेड है लेकिन आपको पता है कि यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का मसला है और इसमें आप स्टीफेंस वाद से लेकर जहां से ये लड़ाई बड़े स्तर पर शुरू हुई थी और अभी मालंकर सीरियन तक या जो वर्तमान ये, ये तो वर्तमान छोटा सा फैसला है मालंकर सीरियन तक आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है क्लियर है चलिए बात को आगे बढ़ा एक और राजव्यवस्था से जुड़ा ही संदर्भ है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मसला है इसको भी देखिएगा क्योंकि तो देखिए इस परीक्षा वर्ष में एक बड़ी आप कह सकते हैं घटना एक बड़ा मुद्दा एक बड़ी आलोचनात्मक टिप्पणी भी ये जो सारा जो प्रधानमंत्री ने बोल भी दिया संसद में कि आंदोलन जीवी लोग जो हैं आंदोलन हमारे जीवन का बड़ा यथार्थ बन गए पहले सी ए को लेकर आपने शाहीन बाग देखा लंबे समय तक उस पर देश में विमर्श रहा उसके बाद हमने अभी चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट वाला मसला इसके अलावा भी भारत में कहीं पर बांध परियोजना है कहीं पर और बाकी अधिकार हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने का प्रयत्न भी है कि भारत में प्रोटेस्ट को कहीं कुचला जा रहा है राइट टू प्रोटेस्ट इसकी क्या अंतरराष्ट्रीय विधि में और देश में संवैधानिक स्थिति क्या है इस पर एक अच्छा प्रश्न प्रिलिम्स में बन सकता है उसको हम लोगों को समझने की जरूरत तो <clears throat> मसला क्या है यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमिटी है उसने ओवरऑल इन जनरल देश दुनिया के लिए सिर्फ भारत के लिए नहीं था दुनिया के लिए इस बात को एक बार दोबारा रीअफर्म किया कि शांतिपूर्वक अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है चाहे वो ऑनलाइन हो या भौतिक तौर पर व्यक्तिगत स्तर पर कोई कहीं इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहा हो ये एक ग्लोबल फंडामेंटल ह्यूमन राइट है तो यूनाइटेड नेशंस राइट टू प्रोटेस्ट को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट बना बताता है ठीक है ठीक बातें भाई इसमें कोई गलत बात नहीं है और ये स्टेटमेंट ह्यूमन राइट्स कमेटी का किस पृष्ठभूमि में आया है जब पूरी दुनिया में कहीं राजनीतिक अधिकारों को लेकर या आपने देखा कि अमेरिका ने भी ब्लैक लाइव मैटर ऐसे आंदोलन को देखा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं चीन में म्यांमार में गल्फ कंट्रीज में सब जगह कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है तो ह्यूमन राइट्स कमिटी की इस बात को थोड़ा आगे ले जाना जरूरी हो जाता है कि क्या स्थिति है बेसिकली ह्यूमन राइट्स कमिटी का काम क्या है ये विभिन्न देशों को मॉनिटर करती है कि वो देश आईसीसीपीआर को किस तरह से लागू कर रहे हैं आईसीसीपीआर को विभिन्न देश किस तरह से लागू कर रहे हैं ये अभी दो साल पहले ये आपसे पीटी में पूछा था इंटरनेशनल कोबनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स देखिए ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि मार्गदर्शन पत्र है मैनिफेस्टो है जो यूनाइटेड नेशंस ने डेवलप किया है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को लेकर जो भी यूएन के सदस्य देश हैं उन्हें किस तरह से किन बातों को कहीं ना कहीं स्थापित करना होगा वो इस पूरे मार्गदर्शक पत्र में आपको दिखता है तो बड़ा सम्मान है इसका भारत इसमें शामिल है भारत कहता है कि भाई हम अपने संविधान और बाकी कानूनों के द्वारा हम आई को पूरी तरह अक्षरशः लागू कर रहे हैं ठीक है तो बेसिकली यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी यही काम करती है कि 1976 के आई को विभिन्न देशों में किस प्रकार संचालित किया जा रहा है उसको देखे और इस आईसीसीपीआर का आर्टिकल 21 है ये भारत के संविधान का आर्टिकल 21 नहीं है ध्यान रखिएगा आईसीसीपीआर के आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया है कि दुनिया में हर व्यक्ति को एक शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का प्रोटेस्ट करने का एक राइट दिया जाना चाहिए ठीक है तो ये आर्टिकल 21 ये ग्लोबल सिटीजन को राइट टू पीसफुल असेंबली का अधिकार देता है आप सीधे तौर पर समझ गए होंगे कि आपका संविधान भी इस छिहत्तर के आईसी से पहले से यह अधिकार देता है ये मूल अधिकार हमारे भाग तीन में शामिल है ठीक है अभी जो बेसिकली ह्यूमन राइट्स कमिटी ने जो अपनी बात को रखा है उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया कि आपको पता होनी चाहिए ये कहा गया कि कोई अगर इकट्ठा होता है सेलिब्रेट करने के लिए या अपनी पीड़ाओं को सार्वजनिक तौर पर इन पब्लिक अपनी ग्रीवानसिस को रखने के लिए या किसी प्राइवेट स्पेस में भी ऐसा करना चाहता है बाहर करना चाहता है कहीं इंडोर करना चाहता है ऑनलाइन करना चाहता है सड़क पर आकर करना चाहता है ये उसका फंडामेंटल ह्यूमन राइट है एक बात दूसरी बात प्रोटेस्टर्स के पास जो आंदोलन जीवी हैं उनके पास ये भी अधिकार है कि वो अपना चेहरा ढकें मास्क से हुड से हिजाब से किसी भी चीज़ से अगर वो चेहरा वगैरह ढक रहे हैं तो बेसिकली सरकारों को इसको लेकर कोई उनके ऊपर उत्पीड़न नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी उनका एक अधिकार है कि वो अपने पर्सनल जो उनकी पहचान है और राज्य उनके विरुद्ध कहीं आगे काम ना करे तो वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखने का अधिकार भी रखते हैं दूसरी बात तीसरी बात पत्रकारों का और जो मानव अधिकार से जुड़े जो पर्यवेक्षक हैं कार्यकर्ता हैं, इनको विशेष एक अधिकार है क्योंकि ये निगरानी रखते हैं कहीं गलत हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करते हैं इनको हिंसात्मक और गैर कानूनी तरीकों से परेशान नहीं किया जाना चाहिए यह भी बोला ह्यूमन राइट्स कमिटी ने अगली बात सरकार सरकारें इनफैक्ट इस आधार पर सरकारें इस आधार पर ऐसे आंदोलनों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती उसको समाप्त नहीं कर सकती कि उन आंदोलनों से लोक व्यवस्था या सार्वजनिक सुरक्षा पर खतरा है ठीक है आप इस तरह के आधे अधूरे बातों के आधार पर आंदोलनों को कुचल नहीं सकते यह भी सरकारों को एक आदेश दिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने और आखिरी बात सरकार इंटरनेट नेटवर्क्स को बंद करके या उसको सस्पेंड करके वेबसाइट्स को डाउन करके भी इस तरह के आंदोलनों को कमज़ोर बनाने का प्रयत्न न करें ये बात भी ह्यूमन राइट्स कमेटी कहती है तो कुल मिलाकर अब समझेंगे ये राजनीतिक तौर पर इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा क्योंकि तो कई देश कहेंगे कि भाई हमको तय करने दीजिए कि कोई अगर चेहरा छिपा के है ना अगर हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है तो हम उस चीज़ को जरूर करेंगे जैसे आप जानते हैं कि आंदोलनों में जो ये तोड़फोड़ वगैरह हिंसा हुई इसके बाद आप जानते हैं कि राज्य ने तकनीक के सहारे ठीक है फेसेस को आइडेंटिफाई करके आधार चित्रों से मिलान कर कर इन सब चीज़ों को किया तो वो सब देश को अधिकार होना चाहिए ह्यूमन राइट्स काउ कमिटी इस बारे में अपनी बात रखकर थोड़ा विवादित होती है ठीक है तो बेसिकली कमेटी का कहना है इंटरप्रिटेशन उसका यह है कि हम ओवरऑल देश भर में जो न्यायालय हैं सरकारें हैं सबको आह्वान कर रहे हैं कि हमारी इन बातों के आधार पर आप चीजों को देखें और विरोध या आंदोलन करने का जो अधिकार है उसके ऊपर अन्यथा कोई बहुत कठोर कोई उसके ऊपर आपको कदम नहीं उठाना चाहिए भारत के सिनेरियो को देखें अगर भारत आईसीसीपीआर इसका भाग है हम इसमें शामिल हैं राइट टू प्रोटेस्ट ठीक है right protest, सरकारों से सवाल पूछना और सरकारों को बाध्य करना उत्तर देने के लिए ये भारत का संविधान एक मूल अधिकार लोगों को देता है और आर्टिकल 19 में प्रमुखतः हम देखेंगे कि सारे नागरिकों को शांतिपूर्व निरायु सम्मेलन का अधिकार है लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए निरायुद्ध होना चाहिए आप लाल किले पे चढ़ जाइएगा तो फिर सरकार के लिए दिक्कत है उसको फिर अब इस संवैधानिक अधिकार की परिपाटी में शायद नहीं लिया जा सकता ठीक है बेसिकली राज्य युक्त युक्त निर्बंधन जब भारत के संविधान के अनुरूप ऐसे अधिकारों पर लगाता है तो उसमें दो प्रमुख आधार होंगे एक संप्रभुता पर किसी तरह का असन्न संकट हो या भारत की एकता अखंडता पर संकट हो या लोक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो यही विषय निष्ठता आ जाती है विषय निष्ठता इसलिए कि सरकार कहेगी कि मैं अमुक आंदोलन को इसलिए बंद कर रहा हूं कर रही हूं कि ओवरऑल इससे लोक व्यवस्था बिगड़ेगी कुछ लोग इसके उल्टा बोलेंगे कि इससे लोक व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है हमारे आंदोलन को चलते रहने देना चाहिए यही थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव चलता है और इसको फिर न्यायालय कहीं तर्क संगत करने की कोशिश करते ठीक है, थोड़ा सा ICCPR के बारे में हालांकि इसपे प्रश्न आ चुका है लेकिन तब भी कुछ मूलभूत चीजें आपको पता होनी चाहिए ICCPR एक ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है अंतरराष्ट्रीय स्तर की मानवाधिकार संबंधी एक संधि है जो कई तार, कई तरह के संरक्षण जो नागरिक और राजनीतिक अधिकार लोगों को मिलने चाहिए उसका उल्लेख करती है इस आईसीसीपीआर को संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने उन्नीस में इसको स्वीकार किया इसको मंजूरी दी लेकिन यह बाध्यकारी तौर पर छिहत्तर में आई एक देश अभी भारत सहित इसको रेटिफाई करके इसका हिस्सा बने हुए हैं आईसीसीपीआर को जोड़कर देखा जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कई बार प्रश्न आया है जितना इंपॉर्टेंट ये यूडीएचआर है जिसके थ्रू यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संदर्भ को स्थापित किया भारत जैसे देश में अगर मानवाधिकार आयोग बना मानवाधिकारों पर केंद्रित और नीतियां संस्थागत प्रयत्न हुए उसके पीछे प्रेरणा ये है जो यूनाइटेड नेशंस ने सब देशों को कहीं आगे इस संदर्भ में बढ़ाया उसी तरह आईसी पूरी दुनिया में सिविल <coughs> और पॉलिटिकल राइट्स को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ठीक है ये एक ओवरऑल एस्पेक्ट है ये सारी बातें जो हमने करी उसको आप देख सकते हैं तो आईसीसी और इसका महत्व चलिए छोटा सा विषय लेकिन प्रीलिम्स में तो एक लाइन भी कई बार एक सवाल होती है कर्मा ऐप ठीक है मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो लॉन्च हुआ है आपके परीक्षा वर्ष में और इसका रिश्ता किसके साथ है टर्टल्स को संरक्षित करने के लिए टर्टल्स ये बड़ा प्रिय विषय है यूपीएससी का तो इसमें कुछ भी घटनाक्रम हो इसको छोड़ा नहीं जा सकता टर्टल कंजर्वेशन के लिए कर्मा ऐप ये लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च हुआ था जिस दिन होता है वर्ल्ड टर्टल डे यानी तेईस मई को तो विश्व टर्टल दिवस के अवसर पर यह लॉन्च किया गया किसने बनाया है एप आईटी कैन इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क इसने बनाया है टर्टल सर्वाइवल अलायंस भारत ये एक और संस्था है दोनों ने मिलकर इसको बनाया है और इसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया इसका भी योगदान आपको दिखेगा तो कर्मा ऐप में बेसिकली है क्या मोबाइल बेस्ड ऐप है तो इस ऐप में आपको अलग अलग उनतीस प्रजातियां जो फ्रेश वाटर टर्टल्स की हैं और टोर्टवाइज की हैं भारत में इनकी पूरी इंफॉर्मेशन इनकी पहचान भारत के किस हिस्से में कौन से तरह के टर्टल्स टॉर्टवाइज मिलते हैं स्थानीय नाम उनके जैसे कर्नाटक में तमिलनाडु में उनके कोई स्थानीय नाम होंगे और खतरे क्या हैं सब चीजें इस ऐप के थ्रू दी गई हैं देखिए पर्पज समझिए इनकी व्यापक तस्करी होती है ठीक है अब मान लीजिए किसी राज्य में किसी ने कुछ टर्टल्स की स्पेशी पकड़ी जो भी वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन के लोग होंगे उनको पता ही नहीं होता कि भाई वो नाम बता रहे हैं तो वो नाम ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे या उस खास तरह के टर्टल को भारत में कहां पाया जाता है कहाँ से स्मगल हो रहा होगा ये सारी सहूलियत जितने भी ये वन्य जीव संरक्षण करता लोग हैं उनको देने के लिए ये कर्मा ऐप बना है इतनी छोटी सी बात बस इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है बेसिकली साइट्स जो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस ठीक है साइट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस इसके प्रावधानों के हिसाब से कोशिश हो रही है कि टर्टल्स का जो इलीगल अवैध व्यापार है उसको थोड़ा सा जो ट्रैफिकिंग इनकी होती है क्योंकि कहा जाता है कि टॉर्टोइज़ और फ्रेश वाटर टर्टल्स ये सबसे ज़्यादा देश में से तस्करी जिनकी होती है वो उन प्राणियों में शामिल है तो इसको रोकने के लिए ये ऐप और इसकी भूमिका टर्टल सर्वाइवल अलायंस इसके बारे में थोड़ा जानकारी बढ़ा लीजिए सवाल अगर आ जाए 2001 में इसका गठन किया गया था IUCN के साथ साझेदारी में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के साथ साझेदारी में इस टर्टल सर्वाइवल अलायंस की नींव पड़ी और बेसिकली उद्देश्य वही है कि हम सस्टेनेबल एक कैप्टिव मैनेजमेंट ऐसे फ्रेश वाटर टर्टल्स और टॉर्ट का इसके थ्रू कर सकें ठीक है तो बेसिकली एशिया में इन जनरल ही टर्टल पॉपुलेशन पर काफ़ी खतरा है तो ये अलायंस जो है ये इस पूरे रीजन को काफ़ी कुछ टारगेट करने की कोशिश करता है एक ये छोटी सी सूचना महत्वपूर्ण हो सकती है ध्यान रखें जीरो टर्टल एक्सटेंशन इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी उद्देश्य क्या है कि हम इक्कीसवीं शताब्दी में टर्टल की किसी भी प्रजाति को किसी भी स्पीशी को उसको एक्सटिंक्ट होने से बचा सके देयर शुड बी जीरो एक्सटिंक्शन इसके लिए ये अलायंस काम कर रहा है इस बात को भी आप देख सकते हैं। <coughs> एक और छोटा सा विषय करते हैं डेयर टू ड्रीम 2.0 ये एक बेसिकली डीआरडीओ ने एक पहल एक इनोवेशन इसको लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया डेयर टू ड्रीम 2.0 और ये डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम उनकी पांचवी जो बरसी थी उनकी डेथ एनिवर्सरी थी उस मौके पर इसको लॉन्च किया गया है क्या ये डेयर टू ड्रीम 2.0? इट इज़ एन ओपन चैलेंज टू प्रोमोट द इनोवेटर्स जो इनोवेटर्स हैं और जो स्टार्टअप्स देश में काम कर रहे हैं उनको एक तरह से खुली एक उनके साथ चैलेंज है कि वो डिफेंस के क्षेत्र में और एरो स्पेस के क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकीय नवाचार हो सकते हैं ठीक है जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं ठीक है और आत्मनिर्भर भारत के थीम पर वो उसको लेकर आगे आए डेयर टू ड्रीम का मतलब ये कलाम साहब के आप देखेंगे तो उनकी पूरी उनके स्पीचेस में उनकी किताबों में युवाओं को बहुत भविष्य लक्षी स्वप्न पर बड़ा बल देते थे लेकिन कथन क्या देते थे कि सपने ऐसे होने चाहिए जो ये नहीं कि आराम से घोड़ा बेच के सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि मसूरी पहुंच गए उनका कहना था सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने ही ना दें तो थोड़ा थिंकिंग जरा कलाम साहब की दूसरी थी आप लोगों को जीवन में अपनाना चाहिए यथा संभव ठीक है तो बेसिकली इस आधार पर युवा ऑंट्रप्रनोर को स्टार्टअप्स को इनोवेटर्स को उनको एक तरह से चैलेंज में डाला जा रहा है देश के लिए सपना देखो और कुछ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आप कुछ आगे करो डॉक्टर <coughs> कलाम को मिसाइल मैन नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो भारत का मूल मिसाइल कार्यक्रम था आई इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसकी नींव और उसको आगे ले जाने में कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान था हम सब इस बात से परिचित हैं तो ये बात भी है इस पे। तो ये सारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक और टॉपिक देखना चाहिए राक्ष राक्षसा बैथिनोमस राक्षसा इसको हालिया समय में आपके परीक्षा वर्ष में वैज्ञानिकों ने इसको इसकी खोज को मतलब ये पहला सुपर जायंट आइसोपॉड स्पीशी है जो पाई गई है ईस्टर्न इंडियन ओशन में तो इंडियन ओशन से जुड़ी डिस्कवरी है पहली बार एक सुपर जायंट आइसोपॉड स्पीशी पाई गई है और इसका नाम है बेथीनॉमस राक्षसा इसे कॉकरोच ऑफ द सी नाम से भी जाना जाता है प्रश्न पूछ सकता है कि कॉकरोच ऑफ द सी नाम से नीचे चार ऑप्शन दे दे किसको बुलाया जाता है तो बैथिनोमस राक्षसा को कॉक्रोच ऑफ द सी नाम से भी बुलाया जाता है ये अनुसंधान ये जो खोज है ये सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने की वो बेसिकली इंडियन ओशन में कुछ अलग तरह की खोज कर रहे थे लेकिन ये वेस्ट जावा इंडोनेशिया के पास ये उन्होंने 2018 में पहले इसको देखा था और इसको अब दोबारा पाया गया है सुपर जायंट आइसोपॉड क्या होता है जो ये बैथिनोमस है बैथीनॉमस राक्षसा एक सुपर जायंट आइसोपॉड है जिसका जीन है बैथिनोमस आइसोपॉड्स एक मरीन इनवर्ल्टिब्रे होते हैं यानी ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ नहीं होती है ना तो इनवर्टिब्रेट्स हैं ये मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं आइसोपॉड्स और इनको क्रस्टेशियन ग्रुप में जानवरों के रखा जाता है ठीक है ग्रेटर क्रस्टेशियन ग्रुप में एनिमल्स के आइसोपॉड्स को रखा जाता है और इसी श्रेणी में आते हैं क्रैब्स और श्रिम्स जो कि बहुत पॉपुलर सी फूड भी हैं ठीक है तो क्रैब्स और श्रिम्स की तरह आइसोपॉड जो मरीन इन्वर्टिब्रे हैं इनको रखा जाता है ये अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में आपको दिखेंगे ये पर्वतों पर्वतीय क्षेत्र में भी दिखते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी दिखते हैं और डीप सी में भी दिखते हैं ये भी इनका एक तरह से थोड़ा सा यूनिक कैरेक्टर है इस बात को भी समझना चाहिए ठीक है तो माउंटेन्स में डेजर्ट्स में सी में सब जगह आइसोपॉड पाए जाते हैं वो आइसोपॉड जो 50 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बड़े हो जाते हैं, हैं इनको कहते तो तो नाम है सुपर लेकिन है, तो 50 सेंटीमीटर ही इनके लिए बहुत बड़ा एक रेंज है और जो लार्जेस्ट आइसोपॉड स्पीशी है वो किस जीनस से आती है बैथिनोमस जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं बैथिनोमस राक्षसा इसी का एक आ, स्पीशी है स्केवेंजर की तरह ये किस खाद्यान्न पर निर्भर होते हैं डेड मरीन एनिमल्स उनके स्केलेटन वगैरह को ये खाते हैं जैसे वेल्स और फिशेस बट ये बहुत लंबे समय तक बिना किसी खाद्य के भी रह सकते हैं जिस वजह से इनको इनकी तुलना कॉकरोच से की जाती है इनको कॉकरोच ऑफ द सी जब कहा जा रहा है तो कॉकरोच से इनकी समानता क्या है कि ये बहुत लंबे समय तक बिना किसी आ, बिना कुछ खाए पिए भी ये रह सकते हैं ये भी इनकी ये इसकी भयानक सी शकल है राक्षसा वाकई राक्षस जैसा दिखता है तो आप इस आधार को भी यहाँ पर देख सकते हैं तो कुछ प्रश्नों के माध्यम से बात को आगे बढ़ा रहा हूं ठीक है ये सारे प्रश्न समसामयिक संदर्भों में अभी महत्वपूर्ण रहे जो हमारी रणनीति रहती है तो क्वेश्चन वन जैसे पहला सवाल आएगा तो अपने उत्तर में वन लिखकर ऑप्शन लिखिएगा फिर हम आगे धीरे धीरे करते हैं चलिए पहला सवाल आ रहा है पद्मनाभ स्वामी टेंपल जो कि हालिया समय में बहुत खबरों में रहा वो इनमें से किस तरह के स्थापत्य आर्किटेक्चर पर केंद्रित <coughs> तो है? रजत एक कहना चाह रहे हो चोला ये चोल आर्किटेक्चर का को रिप्रेजेंट करता है रजत मिश्रा के जोड़ीदार इलाहाबादी अमित त्रिपाठी ने भी ए बोला है मोहित का भी आंसर ए है नीरज का भी ए है मुदित भी कह रहे हैं चेर चोल चेर पांडे सला भी आ जाओ भाई कोई ना कोई विवेक भी चेर चोला कह रहे हैं सॉरी अंकित अवनीश को बी लगता है चोल और चेर में बात सिमट गई ठीक है आई होप आप स्मरण कर पा रहे हो कि ये किस विषय से संबद्ध है अभी करंट में क्यों हम इसको कर रहे हैं उत्तर इसका ठीक है देखिए इतिहासकारों के अनुसार ये जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है ये वैसे तो आठवीं शताब्दी में इसका जो मूल ढांचा है वो आठवीं शताब्दी में बना लेकिन वर्तमान में जो वहाँ पर ढांचा है इसको अठारहवीं शताब्दी में त्रावण कोर के तत्काल तत्कालीन जो महाराजा थे मारतंड वर्मा उन्होंने इसका निर्माण कराया था ठीक है तो यहाँ पर चेरा चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसमें कंफ्यूज नहीं करना और सुप्रीम कोर्ट में अभी आप जानते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मामला लंबे समय से ये एक आजकल बड़ा मसला चल भी रहा है अभी उत्तराखंड का कानून आया आई होप आपने उसकी चर्चा करी होगी टेम्पल्स मंदिर अलग अलग राज्यों में जो राज्य के प्राधिकार में है उनको राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने की भी एक लड़ाई चल रही है जिसमें उत्तराखंड सरकार ने अभी एक बड़ा फैसला लिया है उसी से मिलता जुलता ये केरल का मसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना त्रावण कोर का जो रॉयल जो राज परिवार अभी जो फिलहाल जो उनके वंशज हैं उनके अधिकार को माना कि यह श्री पद्म पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पूरे प्रबंधन का अधिकार उनको मिलना चाहिए तो ये घटनाक्रम था जिसके आधार पर हमने ओवरऑल इस मंदिर को लेकर सवाल इतिहास में पूछ सकता है ये तरीका होना चाहिए सवालों को करने का ठीक है देखिए तो चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है मुख्य यहाँ पर देवता हैं भगवान विष्णु ठीक है जो कि एक अनंत शयन पोस्चर में है अनंत शयन मुद्रा में वो है जो क्या है एक रिक्लाइंड पोस्चर है और इटरनल योगिक के तौर पर एक योग साधना जैसा उनका एक आयाम है और अधिशेष के ऊपर विराजे हुए हैं जिसको सारे सर्प सर्पों का एक अखंड राजा भी अधिशेष को माना जाता है ठीक है तो ये पूरा इसका धार्मिक पक्ष है ओवरऑल वैष्णविज्म को ठीक है जो 108 सौ वैष्णविज्म पर केंद्रित सबसे जो एक तरह से पवित्र जो मंदिर है उनमें से एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर को माना जाता है तो उससे रिलेटेड मसला था अब इसमें थोड़ा इतिहास डाल दिया है ठीक है मैं हट जाता हूँ इसका स्क्रीन ले लेना आगे के लिए जो भी स्लाइड आती हैं आप स्क्रीन उसके ले सकते हैं तीन तरह की शैलियां हैं नागर द्रविड़ और वेसर तीनों के बीच चुलना पर प्रश्न आते हैं कल्चर में उसको डेफिनेटली आप देख सकते हैं जैसे नागर शैली का प्रभाव विस्तार उत्तर भारतीय जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार यहाँ आपको नागर शैली दिखेगी द्रविड़ कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच का जो क्षेत्र है दक्षिण भारत में उसमें प्रमुखता केंद्रित है वेसर शैली आपको कर्नाटक में जो अलग अलग इस तरह के स्थापत्य हैं वहां पर दिखती है नागर शैली की अवधि 320 एडी से 499 एडी के बीच द्रविड़ शैली सेवन सेंचुरी एडी और उसके आसपास शैली तीसरी तीसरी से आठवीं शताब्दी के बीच आपको दिखेगी नागर शैली में आपको शिखर दिखेंगे मंदिर का जो आर्किटेक्चर होता है उसको आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स में जब देखते हैं तो जिनको टावर्स या शिखर्स कह सकते हैं ठीक है राउंडेड टॉप होता है इसमें गोलाकार इसका शीर्ष होता है और एक कर्व्ड लीनियर आउटलाइन नागर शैली में दिखता है द्रविड़ शैली में टावर्स इन द शेप ऑफ पिरामिड में पिरामिड आकृति होती है और विमानन विमानम जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक लक्षण है तो ये सारे प्री में क्वेश्चंस आपको दिखेंगे विमानम किसमें होता है सब चीजें हैं वेसर की बात करें तो यहाँ पर दोनों का सम्मिश्रण आपको थोड़ा थोड़ा दिखता है नागर शैली की विशेषता है कि इसमें जो स्तंभ पिलर्स होते हैं वो एब्सेंट एप, होते हैं अनुपस्थित होते हैं जबकि द्रविड़ शैली में पिलर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक उसका लक्षण है और वेसर में पिलर्स प्रेजेंट आपको दिखेंगे नागर में गोपुरम जो है वो भी अनुपस्थित होता है प्रायः द्रविड़ में गोपुरम्स उपस्थित होते हैं और वेसर में भी गोपुरम आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे एक अंतिम तुलना एक वाटर टैंक इसको नागर शैली में आप देखते भी हैं कुछ स्थापत्य में कुछ में नहीं दिखेगा द्रविड़ में वाटर टैंक प्रेजेंट होगा जहां से पानी को अंदर जो सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं उसके शुद्धिकरण के लिए उसका प्रयोग होता है यही चीज वेसर शैली में है वाटर टैंक हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते अनिवार्यता आपको नहीं दिखेगी ये भी बात है तो इस तरह से कल्चर को करते समय भी मैंने एक ब्रीफ चर्चा करी इसको देख सकते चलिए दूसरा सवाल करिए चलिए सेल्स को लेकर प्रश्न है चलिए मुदित का सबसे पहले आंसर आया है ए ये हमारे प्रतिरोधी तंत्र को के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक कोशिकाएं हैं टी सेल्स रजत मिश्रा भी ए रमनदीप कौर भी ए मेरे ख्याल से सब लोग यही लगाएंगे आसान सवाल था ठीक है मुझे कुछ बातें बतानी थी टी सेल्स के बारे में और मैं फिर कह रहा हूँ कि कोरोना कोरोना पिछले प्रीलिम्स में तो गायब था ठीक है पिछले प्रिलिम्स में कोई प्रश्न आपको नहीं दिखा क्योंकि आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि परीक्षा जो जून में प्रस्तावित थी वो अगस्त अंत तक हुई और इस प्रक्रिया में बहुत संभावना है कि पेपर जो है वो मार्च अप्रैल में कम से कम जो प्रमुखता उनका क्वेश्चंस कलेक्ट करने का तरीका है वो हो गया होगा और मार्च में लॉकडाउन लग रहा था तो प्रॉब्लम का स्केल और ये क्या होगा ये कुछ बहुत क्लियर नहीं था इट्स अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबल थिंग इस बार के प्रिलिम्स में आपको कोविड रिलेटेड जो लॉन्ग टर्म बड़ी चीजें हैं दवाई अवाई नहीं टेस्ट वेस्ट नहीं और दवाई कैसे मैं तो देखता हूँ कि कुछ भी पढ़ाया जाता है दवाई कैसे ले जाई जाती है कितने तापमान पे रखी जाती है आई डोंट थिंक ये लेवल है यूपीएससी का बट इसका जो मेडिकल एस्पेक्ट है है ना जैसे अभी हम टी सेल्स की बात कर रहे हैं इन जनरल वायरस को लेकर ही स्टेटमेंट बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं कोविड के जो बाकी प्रीडिस हैं ठीक है जो इसके पहले इसी कोविड के ही जो कोरोना वायरस के ही जो इनिशियल वो हैं ठीक है हर्ड इम्यूनिटी वगैरह जैसे दीपक कह रहे हैं पता होना चाहिए तो बेसिक चीज है पर थोड़ा टेक्निकल सोचिए है ना थोड़ा टेक्निकल जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन कोविड में देखिए क्या क्या चीजें संस्थागत हो गई या डिजिटल हेल्थ मिशन ये सारे इसी संदर्भ में आए हैं उसको जरूर कैप्चर करिए इस संदर्भ में मैं टी सेल्स को महत्वपूर्ण मानता हूं टी सेल्स क्यों कहे जाते हैं टी सेल्स क्योंकि थाइमस में आपके शरीर के थाइमस में प्रीडोमिनेंटली इनका प्रोडक्शन होता है ठीक है इनका काम क्या है जिनको हम एंटीजन कहते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं ये अनुपयोगी भी हो सकते हैं निष्क्रिय भी हो सकते हैं ठीक है कभी कभी उपयोगी भी हो सकते हैं तो एंटीजें जो हैं जनरली नुकसानदायक माने जाते हैं फॉरेन पार्टिकल्स हैं इनके साथ एक तरह से टी सेल रिसेप्टर होता है जो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हुआ तो ये उसके साथ रिसेप्टर जुड़ जाता है अरे भाई तुम यहां कैसे क्योंकि बाहर से आ रहे हैं ना शरीर चौकन्ना रहता है प्रतिरोधी तंत्र हाँ भाई किससे मिलना है कहाँ आ रहे हो इस तरह का काम है तो टी सेल्स डेफिनेटली इम्यूनिटी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी एक अच्छी बात यह है कि ये स्पेसिफिक फॉरन पॉट पार्टिकल्स के साथ काम करते हैं यानी ये जेनरिक तौर पर किसी भी एंटीजन को अटैक करने की जगह ये एक पर्टिकुलर तरह का टी सेल एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए उपयोगी होता है तो हाईली स्पेशलाइज <coughs> काम है इनका टी सेल्स का इम्यून सिस्टम के संदर्भ में ठीक है तो कोई भी संक्रामक बीमारियां इंफेक्शियस डिजीजेस वगैरह के लिए इनका उपयोगिता है ही लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए भी टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी ठीक है जिसमें एलर्जिक एलिमेंट्स और ट्यूमर्स वगैरह जो बॉडी में डेवलप हो रहे होते हैं उनमें भी टी सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसको ध्यान रखिए अगर एक थोड़ा डिफिकल्ट स्टेटमेंट बनाए इस विषय पर तो यह भी बना सकता है कि टी सेल्स ओरिजिनेट होते हैं तो ये ओरिजिनेट बोन मैरो में होते हैं थाइमस हम पढ़ते हैं इनका उद्भव बोन मैरो में है लेकिन ये मेच्योर या एक तरह से इनका पूरी प्रौढ़ता जो है वो थाइमस में होती है इसीलिए इनको टी सेल्स नाम दिया जाता है ठीक है जब तक कोई स्पेसिफिक एंटीजन विदेशी पदार्थ फॉरेन पार्टिकल इनसे न टकराए तब तक ये इनएक्टिवेटेड रहते हैं जैसे ही कोई इनको अपना जोड़ीदार मिला हाँ भाई तुम यहां कैसे तो ये तुरंत एक्टिव हो जाएंगे अपना काम करने लगेंगे cells, कहते हैं, जिसके ऊपर ये जाकर बाइंड कर जाते हैं टिपिकली कई तरह के टी सेल्स हैं जिसमें सी डी फोर हेल्पर टी सेल्स और सी डी एट सी डी एट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ये दो बड़े वर्ग हैं दो कम से कम ध्यान रखिएगा सी डी फोर हेल्पर टी सेल्स सी डी एट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हेल्पर टी सेल्स का मतलब क्या है ये बाकी कोशिकाओं की सेल्स की सहायता करते हैं हेल्प करते हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए उपयोगी है ठीक है तो प्रतिरोधी तंत्र में जो कोशिकाएं हैं उनकी सहायता करने के लिए हेल्पर सेल होते हैं लेकिन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या हैं जो बेसिकली अगर कोशिकाएं संक्रमित हो गई हैं या ट्यूमर्स बन गए हैं तो उनको मारने में जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो चुकी हैं कोशिकाएं उनको मारने के लिए ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है ठीक है तो टी सेल्स के दो वर्गीकरण उसको भी ध्यान में रखना ये थी चलिए अगला सवाल करिए एक आधारभूत संरचना से जुड़ा मसला है इसको देखिए ट्रांसशिपमेंट शिपमेंट टर्मिनल को लेकर तीन कथने पहला कथन है कि एक टर्मिनल है पत्तन पर जो कंटेनर्स और जो स्टोर कंटेनर्स जो आते हैं उनको हैंडल करता है और उनका स्थाई तौर पर भंडारण करता है उनको परमानेंटली स्टोर करता है दूसरा कथन है ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है जो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के थ्रू वल्लर पदम टर्मिनल में डेवलप किया गया है आईसीटीटी है भारत का पहला और तीसरा कथन है वल्लर पदम टर्मिनल यह कोचिन पोर्ट का कोच्ची में हिस्सा है तीन कथन है रजत और अवनीश ने बी मार्क किया है टू एंड थ्री अमित भी बी कह रहे हैं <coughs> अमित का जवाब भी, भी है और कोई मोहित भी रौनक भी सब लोग भी चलिए अच्छी बात है इसमें आई होप आपने एलिमिनेशन का प्रयोग किया होगा बाकी बाद में डी आने लगे देखिए जैसे मैंने खुशी जाहिर करी अमित नीरज अर्चना नागेंद्र सब लोग डी डी का मतलब आप कह रहे हैं तीनों कथन सही है हमेशा यूपीएससी में कथन पढ़ते समय विशेषज्ञता वाली चीज को तो देखिए ही देखिए इतना पढ़े हो तो उसका ज्ञान तो वहाँ तलाशोगे ही लेकिन कॉमन सेंस हमेशा साथ में टी सेल की तरह आपके साथ साथ चलना चाहिए ठीक है और जहाँ देखो कि कुछ खुराफात दिखे वायरस तो उसके साथ अटैच कर दो कि ये गड़बड़ है अब आप सोचो टर्मिनल है ना कार्गो हैंडल करेगा जहाज़ों से सामान आ रहा है उसको ओवरऑल जो है आ, उसको उतारना है वहाँ रखा जाएगा फिर जहाँ गंतव्य है वहाँ चला जाएगा पहले कथन में लिखता है कि ये एक टर्मिनल है पोर्ट पर जो कंटेनर्स को हैंडल करेगा और उनको स्टोर करेगा परमानेंटली भाई पत्तन पे अगर कंटेनर परमानेंटली रहेगा तो उसका पर्पस क्या है ये तो बहुत मतलब आसानी से आप इसको मैं ये समझता हूँ कि शायद भाषा थोड़ा सा बाधा बनती होगी क्योंकि ज़्यादातर ज़्यादातर क्या मुझे लगता है सभी लोग हिंदी माध्यम वाले हैं मोर और लेस अभी किसी ने मैसेज लिखा मैं असल में ना इधर का रहता हूँ ना उधर का अच्छा मैटर अगर आपको करना है तो अंग्रेजी भाषा में बनाना पड़ेगा अब मैं संबोधित करता हूं हिंदी वालों को तो अंग्रेजी वाला मैं बोल हिंदी में रहा हूँ इसलिए भाग जाता है हिंदी वाला मैं दिखा अंग्रेजी में रहा हूँ इसलिए नहीं आता है मेरी जीवन की नियत यही है, है कि नहीं तो ये खैर जैसा भी है जो भी लोग आते हैं ठीक है, है उन्हीं के लिए काम किया जाए आई नो मुझे सब कारण मुझे सब पता है और भी कारण पता है ये लेवल नहीं है जो ऑनलाइन में चलेगा अब काका गागा पढ़ाई है यहाँ पर अनुच्छेद इक्कीस क्या कहता है मरने का अधिकार गाने का अधिकार ऐसे सवाल बनाइए अभी देखिए सारे वो एसएससी बैंक वाले सब भीड़ जो है इकट्ठा कर लेते हैं आईएस वाला कहाँ भीड़ भाड़ में जाता है चुपचाप बैठ के कमरे में पढ़ रहा है उसको कहीं पता है कि ये ठीक ठाक मास्टर है तो वहां कर लेता है खैर चलिए वापस आते हैं मेरी तकलीफ कुछ नहीं है आप लोगों की तकलीफ के सामने मैं अपनी पीड़ा अपने दिल में ही रखता हूं तो भाई ये एलिमिनेट कर लेते है ना अब देखो वन एलिमिनेट जैसे ही करोगे तो ए चला गया सी चला गया डी चला गया अपने आप जवाब आ गया इसका उपयोग हमेशा करिए चलिए <laughs> थोड़ा सा इसको देख लीजिए इंपॉर्टेंट है भाई ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल एक टर्मिनल है पोर्ट पर जो हैंडल करता है कंटेनर्स को स्टोर करता है उनको तदर्थ तौर पर टेम्पोरली और ट्रांसफर कर देता है उनको बाकी शिप्स में ऑनवर्ड डेस्टिनेशन के लिए इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और इंडिया में ये पहला इस लेवल का टर्मिनल बना है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया को एक तरह से पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट हब के तौर पर क्योंकि हमारी लोकेशन तो इंडियन ओशन में जबरदस्त है ना तो हम अब एक तरह से जो लॉन्ग टर्म शिप वॉयजेस हैं उसका हब बनने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ये स्विचिंग पॉइंट होगा जो कार्गो सामान एक दो बहुत लंबी दूरी के उसमें जा रहा है डीप सी वेसल्स जो हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड में आते हैं वो अब इंडिया के ऐसे टर्मिनल का प्रयोग कर सकेंगे ठीक है आईसीटीटी देश का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने इसके डेवलपमेंट को रिव्यू करते हुए इसको लोकली वल्लापदम टर्मिनल नाम दिया गया है ये कोच्ची पोर्ट का पार्ट है इसको भी आप कह सकते हैं चलिए अगला सवाल करिए हां नीरज वो मैं जानता हूं <laughs> एक मैंने और अद्भुत प्रवृत्ति देखी एक चीज बड़ी सक्सेसफुल है जानते हो क्या एक ही क्लास में मास्टर क्लास में पूरी लक्ष्मीकांत पूरी एनसीआर टी से बारह ये बहुत देखते हैं और हिंदी मीडियम वाले देखते हैं और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ये जो एक क्लास में पूरी लक्ष्मीकांत देख रहे हैं ये जीवन में कभी नहीं बन सकते ये 200 परसेंट मेरे से कहीं लिखवा लो क्योंकि उनके अंदर वो मतलब जो भाव है कि ये एक बार बैठो चार घंटे में पूरी लक्ष्मीकांत कोई पढ़ा देगा हाँ तो वो आप समझ जाओ कि वो तो तमाशा पशु मेला चल रहा है जहाँ कुछ भी बोले भाले बेचारे बच्चों को कुछ भी मूर्ख बनाओ धंधा चलाओ लो भैया जल्दी आंसर करो नेशनल बायोफार्मा मिशन पर दो कथन है मिशन को कौन चला रहा है BIRAC BIRAC भी एक अच्छा थीम है इस पे क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा इसको पढ़िएगा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बायोटेक्नोलॉजी तो BIRAC क्या इसको इंप्लीमेंट कर रहा है नेशनल बायोफार्मा मिशन को और आई थ्री इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम जिसको इस मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है जिससे कि बायोफार्मा क्षेत्र में हम घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे सकें जल्दी बताइए दोनों कथन में क्या क्या सही है जवाब आए हैं अभी तक बी सी बी का मतलब है टू ओनली सी का मतलब है बोथ वन एंड टू ओनली ए भी कुछ अंकित ने ए लगाया है नागेंद्र भी सी बोल रहे हैं चलिए देखते आंसर सी है दोनों कथन सही ठीक है ठीके? ये दोनों कथन सही हैं नेशनल बायोफार्मा मिशन देखिए फार्मास्यूटिकल इस पूरे कोविड के समय में अभी तक देश की जो भी जय जयकार गुंजायमान पूरी दुनिया में हो रही है उसके पीछे है फार्मास्यूटिकल इसको ग्लोबल फैक्ट्री इंडिया को माना जा रहा है ऐसे में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इतना बड़ा मिशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको समझना जरूरी है नेशनल बायोफार्मा मिशन एक इंडस्ट्री और एकेडमिक जगत के बीच एक कोलैबोरेशन है उद्योग और शैक्षणिक यानी जो रिसर्च और एकेडमिक वो कर रहे हैं ठीक है तो उद्योग और अकादमिक जगत के बीच का एक गठबंधन है ये मिशन जिसका उद्देश्य है कि बायोफार्मास्यूटिकल विकास को देश में त्वरित तौर पर आगे बढ़ाया जा सके लॉन्च किया गया 2017 में ठीक है तो इसका कोविड से लेना देना नहीं है कोविड से पहले की बात है कोविड में लेकिन और भी महत्वपूर्ण हो गया है पंद्रह करोड़ की लागत से जिसमें 50 प्रतिशत सहायता कौन कर रहा है वर्ल्ड बैंक कर रहा है वर्ल्ड बैंक का आना और भी इंपॉर्टेंट बना देता है इसको इम्प्लीमेंट इसको बिरैक कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च काउंसिल क्या है एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सेटअप करा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इस मिशन में नेशनल बायोफार्मा मिशन में गवर्नमेंट ने आई थ्री प्रोग्राम भी लॉन्च किया इनोवेट इन इंडिया यानी आई थ्री प्रोग्राम नेशनल बायोफार्मा मिशन का एक सहयोगी घटक है और इसका उद्देश्य है एक ऐसा इकोसिस्टम उसको एनेबल किया जा सके जहां घरेलू स्तर पर विनिर्माण और उद्यमशीलता को बायोफार्मा सेक्टर में विकसित किया जा सके उद्देश्य क्या है मिशन के वैक्सीन्स का और मेडिकल डिवाइसेस का विकास करना डायग्नोस्टिक और बायोथेराप्यूटिक्स को बेसिकली मजबूत बनाना क्लिनिकल ट्रायल कैपेसिटी को इंडिया की इनक्रीज करना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैपेबिलिटीज को भी देश की बनाना सोचिए 2017 में इस बात को सोचा गया और 2020 में ऐसी नौबत आई कि इस मिशन की उपयोगिता हमको समझ में आने लगी चलिए अगला सवाल करिएगा <coughs> सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक हासिल होने हैं उनका एक स्वैच्छिक एक मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है भारत में भी हुआ उसको लेकर तीन कथन है ये जो वॉलेंटरी रिव्यू हुआ इसमें ओवरऑल जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई है दूसरा कथन ये रिव्यू बताता है कि भारत ने दो मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से पिछले दशक में एक दशक में बाहर उठाने में सफलता मिली है तीसरा कथन जो गरीबी के आकलन है वो बेसिकली उनको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2019 इस इंडेक्स से लिया गया है तीन कथन है आपको सही गलत इसमें देखना है डी कह रहे हैं मोहित भी डी डी का मतलब है तीनों कथन सही नीरज भी डी अमित रौनक अंकित दीपक सब डी दी। अवनीश पहले हैं जो ए पर आ गए यानी वो तीसरे कथन को गलत मान रहे हैं अर्चना भी डी चलिए देख लेते हैं इसको डी ही इसका सही जवाब है इसको देखिएगा इसमें कुछ बातें नीति आयोग ने इस नेशनल रिव्यू को प्रस्तुत किया ये बात सही है ठीक है ये दूसरी ऐसी वॉलेंटरी नेशनल रिपोर्ट है हर देश अपने आप को देख रहा है तराश रहा है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम कहाँ तक पहुँचे हैं ठीक है थीके? इस साल इस बार की जो रिपोर्ट है उसका टाइटल है डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एस डी फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल ये रिपोर्ट का एक तरह से उसका इंडेक्स था। डिकेड ऑफ़ एक्शन टेकिंग फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल इस रिपोर्ट के अनुसार कम से कम दो सौ इकहत्तर मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से बाहर निकालने में भारत को सफलता मिली है 2005 से पांच से 2016-17 के दशक के बीच <coughs> पावर्टी के जो एस्टिमेट्स जो रिपोर्ट में लिए गए हैं उनको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2019 उससे लिया गया है और एम 2019 के अनुसार नंबर ऑफ पीपल लिविंग अंडर पावर्टी इनकी संख्या में तीन मिलियन से ओवरऑल ये आ, इतना कम हो चुके हैं ठीक है 2016-17 तक जो 640 मिलियन लोग थे 2005 6 में तो 640 मिलियन से तीन मिलियन तक जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी में लोग थे इतनी कमी संख्या में आई है एम को यू ने लॉन्च किया यह सवाल भी पहले प्री में पूछा जा चुका है कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कौन इसको लॉन्च करता है तो ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई ने 2010 से इसको देना शुरू किया एमपीआई में तीन डायमेंशन दस इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है तीन जो प्रमुख डायमेंशन है उसमें एक है शिक्षा तो आप सोचिए पावर्टी में एजुकेशन को देखा जाता है शिक्षा में भी क्या देखा जाता है कितने वर्ष का तक स्कूलिंग दी जा पा रही है और बच्चे का एनरोलमेंट लेवल चाइल्ड का एनरोलमेंट कितना है ठीक है वन सिक्स वेटेज दोनों को दिया जाता है तो टोटल दो विकल्प हैं तो टू बाई सिक्स वेटेज इसका हो गया दूसरा प्रमुख डायमेंशन है स्वास्थ्य हेल्थ इसमें बाल मृत्यु दर पोषण दो चीजों को देखा जाता है एक बटा छ वेटेज दोनों को है तो यहाँ भी टू बाई सिक्स आ गया तीसरा जो डायमेंशन है वो है जीवन स्तर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इसमें बिजली की उपलब्धता फ्लोरिंग घर में फ्लोरिंग किस तरह की है कच्चा है पक्का है पेयजल स्वच्छता कुकिंग फ्यूल और बाकी परिसंपत्तियाँ जिसमें साइकिल मोटरसाइकिल ये सब भी है और इसमें एक बटा अठारह वेटेज सबको सारी चीजों को दिया गया है ये काफी सारे हैं तो ये टोटल इसका टू बाई सिक्स वेटेज इसका हो जाता है तो टू बाई सिक्स टू बाई सिक्स टू बाई सिक्स, टू बाई सिक्स ये वन थर्ड वन थर्ड वेटेज है तीन प्रमुख डायमेंशंस का इसको आप देख सकते चलिए एक आध सवाल और जल्दी से कर लेते हैं निष्ठा प्रोग्राम क्या है ये एक कार्यक्रम है जो लॉन्च किया गया है कि हायर सेकेंडरी लेवल पर शिक्षा में जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको बेहतर बनाया जा सके और दूसरा कथन है ये एक क्षमता निर्माण पर केंद्रित कार्यक्रम है जिसमें स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेसिकली शिक्षकों के प्रशिक्षण को एकीकृत करके बेहतर बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है निष्ठा प्रोग्राम को लेकर दो कथन है इसको आपको देखना है मार्क करिएगा जल्दी से मोहित ने सी बोला है अर्चना भी सी बोल रही है अमित भी कह रहे हैं अमित शाह बी कह रहे हैं अमित त्रिपाठी सी कह रहे हैं अंकित भी सी कह रहे हैं बी और सी में गेम फंसा हुआ है ठीक है देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखना है बी है निष्ठा का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट तो स्कूल हेड जो स्कूल को ऐड करते हैं प्रिंसिपल्स और हेड मास्टर्स और जो भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी देखते हैं और टीचर्स उनको लेकर एक राष्ट्रीय पहल है उनको कैसे और स्ट्रेंदन किया जाए और इसको ऑनलाइन मोड में पहली बार लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश राज्य में फिर राष्ट्रीय स्तर पर इसका वो चल रहा है 2019 में इसको लॉन्च किया गया था ठीक है उद्देश्य क्या है निष्ठा का कि हम जो लर्निंग आउटकम्स हैं जो हम वास्तव में बच्चों को सिखा पा रहे हैं उसको एलिमेंट्री लेवल पर देश में मजबूत बनाया जा सके विकल्प क्या था हायर सेकेंडरी ऐसा नहीं है हायर सेकेंडरी की जगह ये होगा एलिमेंट्री लेवल पर बुनियादी प्राथमिक स्तर पर ठीक है कोविड पैंडमिक सिचुएशन में लॉकडाउन के बाद और भी इस कार्यक्रम को लेकर और स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है जैसे दीक्षा दीक्षा का मतलब है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ठीक है तो ऑनलाइन एजुकेशन अब कंपलसरी सी हो गई तो दीक्षा को निष्ठा के साथ मिलकर इनको संयुक्त तौर पर भी चलाया जा रहा है उद्देश्य बेसिकली निष्ठा का हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शिक्षा के स्तर को विद्यालयी शिक्षा के स्तर को इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से यह ध्यान रखिएगा कि ये टीचर्स और हेड ऑफ़ द स्कूल्स पर फोकस है है ना उनको हम बेहतर प्रशिक्षण और प्रबंधन के गुण सिखा सकें ये पूरा यहाँ पर आधार आपको दिखेगा चलिए बात आज यहीं रोकते हैं कल फिर मिलते हैं नियत समय पर कल और ये क्लासेस संडे मंडे ट्यूजडे अभी हैं मैं कोशिश करूँगा तीन दिन कम से कम लूँ किसी दिन अतिरिक्त अवसर मिल गया तो चौथे दिन भी ले लूँगा आपको बता दूंगा ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए धन्यवाद रात्रि